Red FM presents The Audio Film Project Season 2 with director Vikram Bhatt. Ise aankhein band karke dekho. Only on Red FM. मौत एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान जो खामोशी, आंसू और कई सारे सवाल अपने साथ लेकर आता है। खन्ना परिवार में एक जवान मौत हुई थी। अनामिका घर के लिविंग रूम में सफेद चादर के नीचे पड़ी थी। अनामिका की मां मिसेस खन्ना उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और अपनी बेटी की लाश के पास खामोश बैठी थी। अपनी बेटी की तस्वीर और उसकी लाश को बार बार देख रही थी, जैसे फोटो में मुस्कुराने वाली अनामिका कोई और ही थी जो अब कहीं खो गई थी। इसी बीच घर के कुछ रिश्तेदारों के साथ साथ पुलिस भी इस वक्त घर पर थी। अनामिका के पिता मिस्टर खन्ना अपनी बेटी की मौत पर रोने की जगह पुलिस वालों के सवाल से घिरे हुए थे। उनके मन में चल क्या रहा था इस बात का अंदाजा तक लगाना किसी को भी अंदर तक झकझोर देता। पुलिस वाले ने सवाल पूछते हुए कहा, आपकी बेटी थेरेपी के लिए जा रही थी, उसका मानसिक संतुलन ठीक तो था ना? मतलब अगर कुछ परेशानी थी तो हो सकता है उसने खुद ही, मेरा मतलब है अपनी जान ले ली हो। वो बाप जो घर से दूर रहता था ताकि घर में कोई परेशानी ना आए, वो इस बात का क्या जवाब देता कि उसकी बेटी की हालत क्या थी? उसके शब्द बस उसके मुंह में ही दबकर कहीं दफन हो गए थे। वो कुछ कह पाता उसके पहले ही पीछे से एक आवाज़ आई, मेरी बेटी ने अपनी जान नहीं ली, उसका मर्डर हुआ है। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर और वहाँ खड़े लोग चौंक गए। वो इंस्पेक्टर मिसेस खन्ना के पास आया और पूछने लगा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, किसी पर शक है आपको? इस पर मिसेस खन्ना ने अपनी सूखी आंखों को ऊपर उठाते हुए कहा, समीर टंडन वो अमीर ज़्यादा जिसने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी को नरक बना दिया था, उस लड़के की ही वजह से मेरी बेटी डिप्रेस्ड हो गई थी और तभी उसे थेरेपी की जरूरत पड़ी। इस पर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए कहा, तो फिर क्या इस बात की भी खबर आपको थी कि वो ड्रग्स लेने लगी थी? इस पर मिसेस खन्ना ने चीखते हुए कहा, वो ड्रग्स नहीं ले सकती, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, उसे फंसाया गया है और मुझे उस समी टंडन पर शक है, उसकी रेपुटेशन के बारे में सब जानते हैं, आपको उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक सबूत तो मैं अभी आपको दे दूंगी। ये कहते हुए जो आक्रोश मिसेस खन्ना की आवाज में था, उस आवाज में गूंजने वाला दर्द सुनने वालों के लिए भी असहनीय था। इन सब से दूर समीर अपने घर पर था। तारा का ख्याल उसने चादर की तरह अपने ऊपर ओढ़ रखा था। क्या ये सजा थी, उन लड़कियों के दिलों से खिलवाड़ करने की सजा? ये बात उसे और भी ज्यादा कचोट रही थी। अगर मौका मिलता तो समीर कुछ भी देखकर इस जुर्म की भरपाई कर देता। वो अपने ख्यालों में खुद को कोस ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। समीर ने जाकर दरवाजा खोला ही था तो देखा सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था और उसके पीछे खड़े थे तीन हवालदार। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम समीर टंडन? समीर ने अपना हैरानी भरा सर हामी में हिला दिया। तभी इंस्पेक्टर ने हवालदारों को इशारा किया और इशारा पाते ही उन तीनों हवालदारों ने
समीर को पकड़ लिया। समीर को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। उसने चीखते हुए कहा, अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इस पर उस इंस्पेक्टर ने जीप की तरफ चलते हुए कहा, वो सब पुलिस स्टेशन चल के पता चल जाएगा, फिलहाल जीप में बैठो। समीर बुरी तरह चीखे जा रहा था, मगर उन पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती उठाकर अंदर पटक दिया। ये सारा नजारा आसपास के लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उनके चेहरों पर समीर के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं थी। आखिरकार वो जीप समीर को लेकर वहां से निकल गई। समीर अपने हाथों से जेल की सलाखों को पकड़े हुए पुलिस स्टेशन का नजारा देख रहा था, जहां उसके पापा अपने बेटे के लिए पुलिस वालों से लड़ रहे थे। मिस्टर टंडन ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अरे आप ऐसे कैसे मेरे बेटे को जेल में डाल सकते हैं? कोई गलत फहमी हो गई है आप लोगों से? ये सुनकर इंस्पेक्टर ने समझाते हुए कहा, देखिए आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। विक्टिम की फैमिली बयान दे चुकी है और उसकी मां ने साफ साफ कहा है कि आपके बेटे ने पहले उनकी बेटी अनामिका और बाद में खुद उनके साथ बदतमीजी की है। ये सुनकर समीर के माथे पर पसीना आ गया। उसे वो सब अचानक याद आ गया जो उसने अनामिका के साथ किया था, मगर उसके मरने के पीछे समीर का कोई हाथ नहीं था। ये बात वो कैसे बताता? वो बस चीखे जा रहा था, सर मैं सच कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर अचानक ही उस इंस्पेक्टर को ताव आ गया। उसने खींचते हुए कहा, अच्छा तूने नहीं किया, तो फिर ये क्या है? इतना बोलकर उस इंस्पेक्टर ने अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग लगा दी, जिसे सुनकर समीर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों में खौफ और दूर से आने वाले तूफान का अक्स दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उसी कॉल की थी जिसमें समीर मिसेस खन्ना को कह रहा था, ऐसी हालत करूंगा मैं आपकी कि इस शहर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर तो जैसे मिस्टर टंडन भी अंदर तक टूट चुके थे। जिस बाप ने अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, आज वही उस प्यार की ऐसी कीमत चुका रहा था। तब भी मिस्टर टंडन ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए। देखकर इंस्पेक्टर ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये कोर्ट कचहरी का मामला है, यहाँ जज्बात नहीं सबूत चलते हैं सर, आप अपने लॉयर से बात कीजिए। ये सुनकर मिस्टर टंडन ने एक नज़र अपने बेटे को देखा, जो नजरें झुकाए वहां खड़ा था, और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। एक पल में तारा उसे छोड़कर गई और दूसरे पल में ये मर्डर चार्ज। समीर अपनी जिंदगी की एक एक ईंट बिखरती हुई देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अब कभी वो आजाद भी हो पाएगा या नहीं। रात हो गई थी और आज की रात में एक अजीब सी खामोशी थी। समीर जेल के अंदर बैठा था, जहां माहौल में खामोशी थी, वहीं समीर के मन में एक अजीब सा संवाद था, जिसमें वो कभी कुछ खुद से कहता तो कभी तारा से। वहीं तारा भी इस वक्त अनामिका के घर पे उसकी तस्वीर के सामने खड़ी थी। सारे मेहमान अपना शोक व्यक्त करने के बाद घर लौट चुके थे और इस वक्त बस मिसेस खन्ना ही थी जो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने बैठी थी। यह अजीब सा नजारा देखकर तारा की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन में बोली, थैंक यू अनामिका एंड सॉरी, तुमने मुझे तो उस लड़के से बचा लिया मगर खुद को नहीं बचा सकी। मैं कभी अंदाजा नहीं लगा पाऊंगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। I'm so sorry for not being there for you।
वहीं इस वक्त जेल में बैठा समीर अंधेरे को देखते हुए मन ही मन में कह रहा था, हाँ मैंने गलती की है पर प्यार भी किया है तुमसे तारा। मैं कैसे समझाऊं कि मैंने किसी को मारा नहीं है। मैं बुरा लड़का हूं, मैं मानता हूं, पर मैं मर्डरर नहीं हूं। मैं किसी की जान नहीं ले सकता और मैं जानता हूं तुम भी मुझे कभी माफ नहीं कर सकोगी। खुद से ही संवाद करते करते समीर की आंख लग गई। महलों में रहने वाला लड़का आज बिना चादर के सो रहा था। आखिरकार सुबह हुई मगर समीर की आंख सलाखों पर लाठी पड़ने से खुली। आंखों को मसलते हुए उसने देखा कि एक हवालदार सारे लॉकअप्स के दरवाजे बजाकर कैदियों को उठा रहा था। इसी बीच उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी और वो उठकर खड़ा हो गया। स्टेशन में इस वक्त काव्या खड़ी उसे देख रही थी और पीछे काव्या के पिता मिस्टर ओबेरॉय खड़े इंस्पेक्टर से कुछ बात कर रहे थे। काव्या को वहां देखकर समीर की आंखों में खयामत ढा देने वाला गुस्सा उतर आया। काव्या मुस्कुराते हुए उसके करीब आई और बोली, कैसा है तू? इस पर समीर ने दांत पीछते हुए कहा, मर्डरर है तू, अनामिका की जान ली है तूने, बस अपने नशे और मतलब के लिए। हाँ पागल हो गई है तू काव्या, ये तूने ठीक नहीं किया। इस पर काव्या ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे यार तू टेंशन क्यों लेता है, मेरी वजह से तू यहाँ इस जेल में पहुंचा है ना, तो अब देख मैं ही तुझे यहाँ से कैसे निकालती हूँ। मेरे पापा के पास पैसे के साथ पावर भी है यार, तो टेंशन मत ले, वो सब सेट कर देंगे। समीर उसकी बातों को समझ पाता कि तभी पीछे से इंस्पेक्टर ने हवालदार को आवाज लगाते हुए कहा, अरे उस हीरो को जाने दो। इतना सुनकर हवालदार ने दरवाजा खोला और समीर आजाद हो गया, मगर अब भी उसकी आंखों में वो गुस्सा बराबर बैठा हुआ था। वो सीधे स्टेशन से निकला और पैदल ही अपने घर के लिए निकल गया। पीछे खड़ी काव्या उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। समीर ने उसे छोड़कर तारा को चुना था, इसलिए काव्या ने समीर को ये छोटी सी सजा दी थी। इस बात को 2 दिन बीत चुके थे। समीर अपने घर पर था। एक तूफान था जो कभी उसके दिमाग से निकलता ही नहीं था। उन्हीं ख्यालों में गुम समीर को एक आहट सुनाई दी। उसे देखा तो कमरे के दरवाजे पर काव्या खड़ी थी। उसे देखकर समीर कुछ कह पाता उसके पहले ही काव्या ने पास बैठते हुए कहा, अरे डैड बता रहे थे कि 2 दिन से इस कमरे से बाहर ही नहीं निकला तू, अब भी सदमे में ही है क्या? यार मैं जानती हूं कि तू मेरी वजह से प्रॉब्लम में आ गया, मगर मैं बस अनामिका को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, उसके लिए चल सॉरी। ये सुनकर समीर ने कहा, मैं तुझसे नहीं बल्कि खुद से गुस्सा हूं। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। समीर ने आगे कहा, मैं गुस्सा हूं कि क्यों मैंने उस तारा से प्यार किया, क्यों मैंने अपने आप को बदल दिया। तो सही कहती थी, प्यार व्यार के लिए हम जैसे लोग बने ही नहीं हैं, तो सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए यार। समीर के मुंह से ये सब सुनकर काव्या बेहद खुश हो गई और उसने कहा, देखा मैंने सब सच ही कहा था, तू मुझसे दूर रह ही नहीं सकता, चाहे हजारों तारा आ जाए तेरी और मेरी जोड़ी बेस्ट है, इसलिए तो अपने बाप को इतना मना के तुझे जेल से निकलवाया, क्योंकि मैं सचमुच तेरी फिक्र करती हूँ यार। ये सुनकर समीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ यार तेरा ये एहसान जिंदगी भर रहेगा मुझ पर।
काव्या ने कहा, एहसान उतारने का मौका है तेरे पास। समीर ने एक उतावलेपन के साथ पूछा, क्या है बोल, तेरे लिए तो यार कुछ भी। इस पर काव्या ने कहा, एक्चुअली मैं ये छोटे छोटे पैकेट्स में ड्रग्स खरीद खरीद कर थक गई हूँ यार, और बार बार रिस्क नहीं ले सकती। मुझे बस तेरी कार चाहिए। एक डीलर मिला है, उससे बड़ी क्वांटिटी में खरीदना है। ये सुनकर समीर ने कुछ देर सोचा और कहा, चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी, मगर हाँ इस काम में मैं तेरी मदद करूँगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और तुझे जेल हुई तो कौन बचाएगा, तेरा बाप। ये सुनकर ही काव्या की हंसी छूट गई। उसने हंसी रोकते हुए कहा, चल चल ठीक है, फिर कल तुम मुझे मेरे घर से पिकअप कर लेना। इतना बोलकर काव्या वहां से चली गई। चलते हुए काव्या बाहर आई ही थी कि उसने किसी को फोन लगाया। फोन उठाते ही उसने कहा, कल मैं आ रही हूं, एक ब्लैक कार रहेगी। इस पर दूसरी तरफ से एक लड़के ने घबराते हुए कहा, देखिए मैडम, इसमें बहुत रिक्स है। इस पर काव्या ने उसे झाड़ते हुए कहा, अबे तभी तो समीर और उसकी कार लेकर आ रही हूँ, पुलिस को पहले ही शक है उस पर, अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो फंसेगा समीर, समझा। बस तू माल लेकर कल तैयार रहना, ये काम तेरा। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इन टू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड एफएम इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड एफएम, बजाते रहो।